दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल सिंह वकील देखो .com स्वागत करता हूं। आज हम आपको हाई कोर्ट में केस कैसे लगता है इसके बारे में बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। हाई कोर्ट इलाहाबाद, देखिए हमारा डैशबोर्ड खुल चुका है। डैशबोर्ड में केस स्टेटस, सर्च बाय क्राइम नंबर, केस क्राइम नंबर, डिस्प्ले बोर्ड, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ें हम आगे भी क्लियर करेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे कि केस स्टेटस कैसे देखा जाए, कौन से कोर्ट में लगा है और कौन से जज या हॉर्नबिल कोर्ट के। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं, अपने आगे स्टेटस को देखते हैं कि क्या है कोर्ट में स्टेटस हमारा। वैसे ये साइट बहुत बिजी साइट है और इस पर एट ए टाइम 10,000-20,000 वकील सर्च करते हैं, खोलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे क्लाइंट जो हैं अपना केस देखते हैं। तो ये थोड़ा साइट स्लो चलती है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये साइट स्लो चलती है। देखिए खुल चुका है हमारा डैशबोर्ड, यहाँ पे पिटिशनर दिखा रहा है, रिस्पोंडेंट और बोथ। तो हमें जो भी ज्ञात होगा, हम पिटिशनर, रिस्पोंडेंट या बोथ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम पार्टी का नाम डालेंगे, यहाँ बंसीधर सिंह एक पार्टी का नाम है। कौन सा सन का उनका केस है वो केस डालेंगे, सन 2022 का केस है, 2022 का हमने डाल दिया। अब उनका क्या डिस्ट्रिक्ट है, वो यहाँ पर इलाहाबाद में हाई कोर्ट में सारे डिस्ट्रिक्टों का अवेलेबल है, यूपी के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उनका हाई कोर्ट है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद हम सेलेक्ट किया। और कैप्चर कोड होता है जो हर बार लॉगिन का मिलता है, तो नया कैप्चर हम लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा साइट स्लो चलती है, आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सारी जानकारी देंगे। वकील देखो .com हमारा देखते रहिए। ठीक है, तो आपको हमारी सारी चैनल का जानकारी मिलती रहेगी हम। ठीक है, अब यहाँ देखिए टोटल केस वन फाउंड दिखा रहा, यानी जो हमने पार्टी नेम दिखाया था वो पार्टी नेम से मिल गया है। अभी हम लोग इसको देखेंगे कि सही नाम से मिला है कि नहीं। तो देखिए यहाँ बंसीधर सिंह हमने डाला था और बंसीधर सिंह मिल गया, स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। अब यहाँ पे व्यू का बटन है, इस पर हम पूरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। काफ़ी बिजी साइट रहता है, जिसकी वजह से दिखाई नहीं देता है। अब हम लोग देख रहे हैं क्रिमिनल मिस रिट पिटिशन है, और यह फाइलिंग डेट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, और 15 सितंबर का इसका डेटिंग पड़ा हुआ है। ठीक, महेश चंद्र त्रिपाठी, नरेंद्र कुमार, ये हॉर्नबिल कोर्ट में जज लोग हैं। ठीक है, रिट क्रिमिनल है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, सारी लोकेशन, रिस्पोंडेंट वकील और पिटिशनर वकील सबका नाम रहता है, कैटेगरी क्या रहती है, FIR के क्वेश्चन पर FIR मिसलिनियस है। ठीक है, सब कैटेगरी, ये सारी चीज़ें, ये डिटेल रहता है जिसमें क्या क्या FIR लगाया गया इसमें। ठीक है, दो डेट कौन सा डेट पड़ा हुआ है, 2/9/2022 का डेट पड़ा था, फिर दूसरा डेट 14/9/2022 का। एक्चुअली होता क्या है कि सेम डे केस टेकन नहीं होता है तो डेट पर डेट लगी जाती है, कोर्ट का यही प्रक्रिया है, कोर्ट अपने आप में प्रक्रिया रखती है, ये सुरक्षित रहता है प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि किस कोर्ट में कौन से जज साहब बैठे थे और कौन से तारीख को किस बेंच में सुनवाई हो रही है। यह डबल बेंच में सुनवाई है क्रिमिनल रिट पिटीशन। ठीक है, और देखिए इसमें उमेश चंद्र कुमार जजमेंट जजेस हैं, संजीत कुमार, सजीत वजीद, ये लास्ट जजमेंट जज थे डबल बेंच में, जो इन्होंने फैसला किया था, फ्रेश लिस्ट में थी और 5/9/2022 को ये केस टेकन हो गया था। ठीक है, फ्रेश में, और इसका ऑर्डर आ गया था, यह एंटीसिपेटरी बेल के लिए इन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि आप एंटीसिपेटरी बेल में जाए, तो वहाँ से हम लोग एंटीसिपेटरी में आए थे। ये प्रिंट आपने देखा, ये प्रिंट हम कर सकते हैं, मोबाइल पर ही प्रिंट करके आप निकाल सकते हैं, ये उसका प्रीव्यू है। यहाँ पर आपको पूरा केस से संबंधित डिटेल निकल जाएगी, आप इसको लेकर कोर्ट में आ सकते हैं।
अगर हेयरिंग आपको देखना है तो हेयरिंग देख सकते हैं, ठीक है। आप घर बैठे इसका प्रिंटिंग निकाल कर रख सकते हैं, घर बैठे आप देख सकते हैं अधिक। अब ये भी हम इसको, इसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग आपको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, डेट कैसे देखा जाए, डिफॉल्टिंग क्या है, कोर्ट ने क्या डिस्पॉन्डिंग किया है, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे कवर करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी। और देखते रहिए हमारा wakildekho.com, फेसबुक पर शेयर कर दें हाई कोर्ट, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल wakildekho.com। थैंक यू सो मच। जय हिंद।